सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ आपकी रूबी एंड आप देख रहे हैं फनी पटशाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर आवर फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स एंड दिस इज़ ऑल पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट. सो या प्लीज़ सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच जो सपोर्ट आप सबने दिखाया है. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक इन आवर कॉमेंट सेक्शन, दैट इज फी वेबर और फी रेमिशन. क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है उसके लिए, वो हर एक पॉइंट इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो या मेक श्योर आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन हर एक बच्चे के मन में आता है कि व्हाट इज़ फी रेमिशन. यस, सो बेसिकली अब हर एक स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके किसी एक NIT और किसी एक IIT में उनका फिक्स जो सीट है वो सिक्योर किया है. बट उसके बाद देखा जाता है कि IITs का जो फीस होता है टोटल जो चार साल के लिए वो देखा जाता है 10 से 12 लाख हो जाता है एंड NITs के लिए वो 7 to 8 लाख हो जाता है. बट हाँ, वो जो फीस है वो हर एक बच्चा एफोर्ड नहीं कर सकता. सो उनके लिए दिस इज़ द प्रोसेस फी रेमिशन और फी वेबर. उनका जो ट्यूशन फ़ी है वो रिड्यूस हो जाता है. सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन मे कम टू योर माइंड, दैट इज़ हु कैन अप्लाई, हु आर एलिजिबल, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली जो SC ST NPWD स्टूडेंट है उनका तो ऐसे ही 100% ट्यूशन फी माफ़ हो जाता है. सो बाकी जो कैटेगरीज है, मतलब जो जनरल है, जो OBC है एंड जो जनरल EWS है, वो हर एक कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इस फी रेमिशन के लिए. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन मे कम टू योर माइंड, दैट इज़ कि कितना अमाउंट फी रेमिशन होता है. सो बेसिकली अगर किसी एक स्टूडेंट का एनुअल फैमिली इनकम 1 लाख के अंदर होता है सो उसका भी 100% ट्यूशन फी माफ़ हो जाता है. उसे बस जो हॉस्टल एंड मेस फी है वही मतलब देना होता है एंड बाकी जो एडमिशन फ़ी एंड जो लेबोरेटरी चार्ज एंड कुछ है वो बाकी सब देता है, जिसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा ही कम होता है. एंड उसके बाद जिनका फैमिली इनकम 1 to 5 लाख के अंदर होता है सो उन केस में उनका 2/3 ट्यूशन फी माफ़ हो जाता है, मतलब उनके जो फुल ट्यूशन फ़ी है उनमें से उसे उनको बस 1/3 पर ट्यूशन फ़ी देना होता है. सो नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में ये रूल होता है. बेसिकली जो NITs होते हैं एंड जो IITs होते हैं उनमें ही सिर्फ ये रूल होता है, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ, व्हाट इज़ द अप्लाई प्रोसेस, आप अप्लाई कैसे करते हो एंड क्या क्या प्रोसेस होता है. बेसिकली हर एक कॉलेज का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है, बट जनरली जो दो फॉर्मेट हम देख सकते हैं, जैसे कि एक होता है कि ड्यूरिंग एडमिशन, जब आप एडमिशन ले रहे हो उस वक्त जो कॉलेज अथॉरिटी है उसी वक्त आपका जो इनकम डॉक्यूमेंट है वो आपसे ले लेंगे एंड उसी वक्त आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो रिड्यूस कर देंगे एंड आपको जो बाकी जो अमाउंट बाकी है वो ही आपको पे करना होगा. ये तो एक प्रोसेस हो गया. बट सेकेंड जो मोस्टली कॉलेज में देखा जाता है, ड्यूरिंग एडमिशन आपको आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फुल फ़ी है वो देना होता है. उसके बाद आफ्टर एडमिशन कॉलेज अथॉरिटी आपसे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट वो मांगेगा एंड उसके बाद ही वो लोग आपका जो फ़ी रेमिशन है वो करेगा एंड आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम दिया था वो आपको रिफंड हो जाएगा. सो कुछ कुछ कॉलेज में देखा जाता है कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NIT भोपाल का, उस कॉलेज में देखा जाता है कि आपको सिर्फ एक ही बार, मतलब 4 साल में सिर्फ एक ही बार आपका जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वो सबमिट करना है एंड उसके बाद आपको नहीं करना होगा एंड आपका जो मतलब 4 साल के लिए आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो माफ़ हो जाता है. बट बहुत सारे कॉलेज हैं जिनमें आपको हर एक सेमेस्टर वाइज आपका जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट वो अपडेट करना होता है. जैसे कि मैं अपना खुद का कॉलेज का एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब NIT अगरतला का, यहाँ पे मुझे मतलब हर एक सेमेस्टर में जाके अपना ट्यूशन फी रिड्यूस करने के लिए हमारा खुद का जो फैमिली इनकम है वो सबमिट करना होता है. सो एंड किसी कॉलेज में प्रोसीड्यूर देखा जाता है कि अप्लाई करने का, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं NIT पटना का, वहाँ पे देखा जाता है वो लोग अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करता है एंड उस एप्लीकेशन फॉर्म में जाके आपको फिलअप करना होगा, आपका जो हर एक डिटेल्स है वो लगेगा एंड साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपके मम्मी पापा दोनों का जो सिग्नेचर है वो ज़रूरी है एंड बेसिकली दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस. सो आपको मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसका जो डिटेल्स है वो आपको सबसे ज़्यादा दे सकते हैं उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट. सो उनके सीनियर्स के साथ कनेक्ट हो एंड आफ्टर एडमिशन बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहना कि क्या क्या प्रोसीड्यूर होते हैं एंड सबसे बेस्ट होगा अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उनका जो कॉलेज अथॉरिटी है उनसे पूछो कि क्या प्रोसेस होता है. सो आप ज़रूर आपको वो पता चल जाएगा एंड बी अवेयर अबाउट दिस प्रोसेस.
उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट, जो इस प्रोसेस का मेन पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है एंड इन्हीं डॉक्यूमेंट के लिए आपका जो फी रिड्यूस है वो होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ फैमिली इनकम. येस आई मीन की फैमिली इनकम, नॉट द पर्सनल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम. मतलब आपके अगर मम्मी पापा एंड आपके घर में जो भी है इनकम सोर्स आते हैं, सो उनका जो एक्यूरेट मतलब टोटल करके आपका जो फैमिली इनकम आता है एनुअल इनकम वो चाहिए होता है. एंड वो आप कहाँ से इशू करवा हुआ है, बेसिकली जो SDM होता है, DM होता है एंड साथ में जो तहसीलदार होता है वहाँ से जाके आप इशू करवा सकते हो. एंड उसके बाद ज़रूर या मतलब ध्यान से याद रखना फैमिली इनकम जो है वो एनुअल फैमिली इनकम होना चाहिए. सो उसके बाद कुछ कुछ कॉलेज में डॉक्यूमेंट जो नेसेसरी होता है वो है पैन कार्ड. आपका चाहिए, आपके मम्मी का एंड आपके पापा का. अभी आपके पास टाइम है सो आपके तीनों लोगों का जो पैन कार्ड है वो निकल के रख दीजिए. एंड साथ में मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया है कि फैमिली इनकम के बारे में, जिनका जो लोग गवर्नमेंट जॉब करता है बट वो भी इस कंडीशन के अंदर पड़ते हैं कि जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से या इधर 1 to 5 लाख के अंदर होता है, सो उस केस में उनको जो मतलब IT रिटर्न्स होता है वो शो करना होता है. वो लोग मतलब इसका ज़्यादा मीनिंग आपके मम्मी पापा उनको समझ आएगा. एंड साथ में जो उनका जो टैक्स देते हैं वो जो उनका एक टैक्स देते हैं सो उनका भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है. सो हाँ वो सब आप रेडी करके रख सकते हो. एंड बेसिकली वो मतलब से 6 मंथ के अंदर होना चाहिए डॉक्यूमेंट, किसी भी अगर डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो. सो उसके बाद आपको चाहिए आपका आधार कार्ड, आपका भी, आपके मम्मी पापा दोनों का भी. एंड साथ ही साथ आपको चाहिए आपका खुद के नाम का एक बैंक अकाउंट, वो भी आप रेडी करके रख दो. एंड उसके बाद किसी किसी कॉलेज में एविडेविट चाहिए. एंड उसका फॉर्मेट क्या होता है वो आपको कॉलेज दे देगा, कॉलेज अथॉरिटी, कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगा. सो फाइनली जो फी रेमिशन रिलेटेड हर एक पॉइंट है वो हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया. तो उसके बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस. सो अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसको इस पॉइंट के बारे में पता नहीं एंड उसका फैमिली इनकम भी कम है तो ज़रूर उसे ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए. एंड ज़रूर जल्दी से हमारी फैमिली को 1K फैमिली बना दीजिए. सो हाँ हम ज़रूर मिलेंगे आपके साथ किसी एक नए वीडियो के साथ. एंड टिल देन.